व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे साथ आज है क्रिस्पी प्रैंक टीवी, इनका नाम है जॉय, योगेश और रंजेश। क्रिस्पी प्रैंक टीवी एक बहुत ही अच्छा प्रैंक टीवी है जिसके अंदर ये बहुत ही फनी प्रैंक करते हैं। और मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोगों का इंस्पिरेशन क्या है प्रैंक करने के लिए? इंस्पिरेशन क्या, मतलब फर्स्ट टाइम जब हम प्रैंक करने का आइडिया आया कैसे, कि मैं योगेश से बोलता था कि मतलब हमारा एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, बट ये नहीं था कि प्रैंक चैनल करे, बट वो सोच योगेश की थी कि मतलब हम प्रैंक कर सकते हैं, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम प्रैंक करेंगे, बस यूट्यूब चैनल के बारे में पता था। तो वो योगेश ने हमें बताया और हम प्रैंक करने चले, तो हमारा फर्स्ट प्रैंक था जो बॉम्ब प्रैंक, जो लगभग हमारा सबसे अच्छा प्रैंक है, तो वो प्रैंक देखने लायक होगा और आप देख सकते हो। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि हम लोग प्रैंक कर सकते थे और भी हमारे वाइन्स के थॉट्स थे, काफी थॉट्स थे, बट वाइन में हमें लगता था हम एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सक्सेसफुल तो अभी भी नहीं है वैसे, लेकिन वाइन आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो, मेरे से तो अच्छे ज्यादा व्यूज ले आते हो आप। लेकिन एक्चुअली हमारे हाथ में ये था कि वाइन हम कर नहीं पाएंगे, हम प्रैंक करते हैं क्योंकि प्रैंक आई थिंक काफी लोग देखना पसंद करते हैं, तो दैट्स व्हाई हमने सोचा चलो प्रैंक से हम स्टार्टअप करें। और हमारे इक्विपमेंट जो थे उसके हिसाब से हमें मतलब प्रैंक सुटेबल लगा, तो हम प्रैंक की तरफ चल दिए। अच्छा, बहुत लोगों के ना क्वेश्चन होता है कि आप स्टार्टिंग के अंदर जब स्टार्ट करते हो कोई भी यूट्यूब चैनल, तो आप मोबाइल से करते हो या फिर बहुत महंगे महंगे कैमरे लेके करते हो? एक्चुअली ये तो यूट्यूबर्स के बजट पे डिपेंड करता है कि वो क्या यूज करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। बट एक्चुअली क्या होता है, मोस्टली लोगों की थिंकिंग ये होती है एज माई व्यू, कि लोग पहले सोचते हैं कि हम फोन से स्टार्टअप करते हैं, अगर हमें अच्छे व्यूज मिले, अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो हम आगे कैमरा इक्विपमेंट यूज करें। कौन सा कैमरा यूज करते हैं? फिलहाल तो हमारे पास जो है कैनन का R36 है, लेकिन हमने मोबाइल से स्टार्ट किया था, बट अब हमारे पास कैमरा है, तो अब कोशिश करेंगे कि थोड़ा क्लियरिटी और फ्लैट में डेवलपमेंट आ जाए। और आपके जो नया प्रैंक आने वाले हैं उनके लिए आपके क्या कहना है? कहने क्या, बस अब चल दिए हैं प्रैंक करने, अब तो यही करना ही है हमें, तो अब यही कहेंगे कि रेगुलर प्रैंक तो आएंगे ही। बट एक्चुअली क्या होता है कि यूट्यूबर्स को मोस्टली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, उनके फ्रेंड्स बहुत अनसपोर्टेड होते हैं, फैमिली सबके फ्रेंड्स जॉय रंजेश लाइक नकुल जैसे नहीं होते जो सपोर्ट करे ऑलवेज, तो हमने भी काफी प्रॉब्लम फेस करी है कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, काफी चीजें आई हैं जो हम नहीं डिस्कस कर सकते कि एक्चुअली उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, काफी प्रॉब्लम फेस करी। बट एक्चुअली में क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि अगर आपके फ्रेंड्स बहुत साथ हैं, जॉय और रंजेश और मी, हम लोगों के साथ कितनी भी प्रॉब्लम आई, लेकिन फ्रेंड्स हमने हमेशा सोचा हमने बस प्रैंक करना है, तो प्रैंक करना है चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जॉय तो कहता है कि मैं तो पिट जाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, आप किसी से प्रैंक करोगे ना रास्ते में, तो उस बंदे की ना पहले ही वो हो जाएगी, पड़ जाएगी कि ये बंदा क्यों पंगे ले रहा है। ठीक है, तो रीजन ये होता है उस बंदे की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपको मार दे, लेकिन अगर आप मारने का सोच के करोगे तो आप कुछ ज्यादा हद में उसके साथ प्रैंक कर पाओगे, दैट्स व्हाई हम ये सोचते हैं। और जो आपके जो लेटेस्ट प्रैंक थे, जैसे वो उल्टी वाला प्रैंक हो गया और काफी सारे जो ज्वाइन किए थे, वो उसके इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी आपको किसी के ऊपर उल्टी कर देना, और वो शायद रियल भी थी आई थिंक आपने करी भी थी? एक्चुअली वो क्या हुआ था, एक्चुअली ये हुआ था कि हम लोग बहुत सारा पानी पी रहे थे, हम इंडिया गेट पे वाला प्रैंक कर रहे थे, ड्रग्स डीलिंग प्रैंक हमने किया था लास्ट, तो निब्बू वाले से हमने ऐसा कुछ मैंने पिया कि मेरी इतनी हालत खराब हो गई कि लिटरली मैं उल्टी करने लग गया, लाइक ऐसा लग रहा था गाइस कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन फिर उससे इंस्पिरेशन है कि हम उल्टी वाला प्रैंक करते हैं, लेकिन उल्टी करने में ये ज्यादा उस्ताद है कि इसको बहुत उल्टी आती है, हर चीज से उल्टी आती है, तो इसने कहा मैं उल्टी करूंगा, तो हमने कहा ओके तो उल्टी कर, लेकिन उल्टी कर पाया था ये, लेकिन निकला कुछ नहीं था क्योंकि ये सीधी ज्यादा करता है, उल्टी बहुत कम करता है, राइट साइड, बट वो भी प्रैंक ठीक था, बट हो गया था जैसे भी। और मैंने एक आपका जो फोन स्नैचिंग जो प्रैंक था, मैंने सुना था कि आपके उसके अंदर एक इंसान को चोट भी लग गई थी उस प्रैंक के दौरान। हाँ, एक्चुअली वो एक बंदा गिर गया था फोन चोरी करते हुए, ऐसे वो मोटा था, मतलब भगते भगते वो गिर गया था। तो मतलब क्या रीजन था कि वो गिर गया, उसको चोट लग गई, फिर आप लोगों ने क्या किया? आपको संभाल ही नहीं पाया वो फोन, जब जॉय फोन लेके भागा तो इतना घबरा गया कि उसके पीछे भागने लग गया। एक्चुअली उसे क्या लगा कि ये सच में फोन चोरी हो गया है, एंड उसने हमारा फेस देखा पीछे, एंड हमने रिएक्शन दिया क्या हो गया ये, तो उसे इतना डर गया कि वो इतनी तेज भागा कि उसके हाथ में से ब्लड आ गया। बट सॉरी फॉर दैट कि हमने उसे हर्ट करा, आई थिंक फर्स्ट ऐसा होगा इंसिडेंट कि कोई हर्ट हुआ, बट एक्चुअली हमने ये हमारा जॉय इतना डर गया था, खुश था और हमने जॉय से बोला जॉय कह रहा है वो मुझे मारेगा, बट थैंक्स फॉर रंजेश ने उस आदमी को समझाया, तो उसने कहा यार तुम बता के कर लेते,
हमने कहा फ्रेंड्स बता के करेंगे तो प्रैंक थोड़ी है। तो मेरा आप लोगों से एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि अब आप लोगों का आगे क्या प्लान है, आगे भी आप ऐसी प्रैंक करोगे या फिर बस इतना ही? नहीं 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 अभी कहा, अभी तो प्रैंक करने हैं, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आगे प्रैंक करने हैं और अभी सोच खत्म नहीं हुई हमारी, क्योंकि अभी तो सोच स्टार्ट हुई है, जहाँ सोच वहाँ सोचा ले। इट्स अ बिगनिंग टाइम। सो फ्रेंड्स आगे हम प्लान करेंगे कि आगे देख सकते हैं कि हम वाइन्स भी करें या कुछ भी करें, बट हमारा मेन पर्पस क्या होता है प्रैंक का, एंड आगे भी हम करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये लक की बात है, बिकॉज मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है रंजेश, जिसने इतना सपोर्ट करा कि आज हम प्रैंक कर रहे हैं ना, सारा क्रेडिट इसी को जाता है। और आगे भी आई होप सो कि ऐसे ही सपोर्ट रहे तो हम करते हैं। बस हमारी यूनिटी है कि हम ये इसका बड़प्पा नहीं कि ऐसा बोल रहा है, अकेले में जाके भी सब हो जाएगा, बट रियल में ये हम तीनों की यूनिटी है कि हम यहाँ तक पहुँचे और अभी हम प्रैंक करने लायक है, कैमरा वैमरा एवरीथिंग हमारे पास है, तो यही सब है बस। बाकी देखते हैं व्यूअर्स की अगर डिमांड आई तो हम वाइन्स भी एक बार ट्राई कर लेंगे, बट आई थिंक सो देखेंगे अगर ऐसा कभी प्लान हुआ तो, अभी कुछ सोचा नहीं इसके बारे में। अच्छा तो मेरी एंटी का क्या ख्याल है वैसे, अगर मैं आप लोगों के बिहाइंड द सीन्स ऑडियंस को दिखाऊं तो? नहीं ये तो हमारे लिए सही बात है ना, हमारे लिए रहेगा कि हमारे चैनल का जो बिहाइंड द सीन है वो किसी और के चैनल पे जा रहा है, मतलब हमारे ही फ्रेंड के चैनल पे वो दिखाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। अच्छा तो चलिए हम इस इंटरव्यू को आज यहीं खत्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, आगे अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इनके साथ और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, और आगे चल के मेरे और भी कोलैबोरेशन होने वाले हैं काफी अलग अलग यूट्यूबर्स से। इनकी जो नई वीडियो आने वाली है वो जल्दी इनके चैनल पे आएगी, जिसके अंदर शायद आपको मेरी उसमें छोटी झलक मिल जाए, और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनके चैनल का नाम है क्रिस्पी प्रैंक टीवी, बहुत अच्छा चैनल है, प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है आपको इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इनसे नेक्स्ट टाइम जरूर वो क्वेश्चन पुट अप करूंगा जो आप लोग पूछोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू फेब्सागर, सबसे अच्छा चैनल ब्लॉगिंग का, फ्रेंड्स प्लीज लाइक एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्रिस्पी प्रैंक टीवी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाइए देखिए इनकी वीडियो, प्यार बसाइए इनकी वीडियो के अंदर, पहली बार बोली थी लिंक इन डिस्क्रिप्शन, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।